मैं भी जब ये कैरेक्टर के बारे में सोचता हूँ और ये जब सारी बातें एनालाइज करता हूँ, जिस तरह हमें वो आगे लग रहा था कि मोटिवेशन स्पीकर सुनो ना, सुनता है यार ये कहानी सुना रहे हैं, एक बाहर की चीज़ है बस, हम इसको प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते, यू कैन डू एवरी थिंग, ये जो इस तरह के सेंटेंसेज हैं। अब ये करैक्टर के बारे में भी सुन के मुझे ऐसे लगता है कि जब हम गुड करैक्टर की बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, एक बंदा साइंस हाँ बन जाता है जिस तरह ना, बस वो माशरे के अंदर। अब कुछ देर के लिए मैंने क्लास में या किसी बाहर जगह जाके बिहेव करना है तो मैं अच्छा बिहेव कर लेता हूँ। अब एक मिसाल दे देता हूँ, जिस तरह एक हॉस्टल्स के अंदर रूममेट्स हैं, ठीक है, अब आप कहते हो यार मैंने एक ना एक अच्छी जगह खड़ा हूँ मैं अखलाकी तौर पे, अब वो आपका यानी मैट्रेस भी यूज़ कर रहे हैं, आपके कपड़े भी यूज़ कर रहे हैं, आपकी बाइक भी, यानी जो भी उनके हाथ लग रहा है वो रहता है, सीनियर्स हैं, कुछ इस तरह का सीन होता है, ठीक है। अब वहाँ एक बंदा कहे कि नहीं यार मेरे पास ये टीचिंग है या मैंने इस तरह से रहना है, फिर वो यानी आप मेरे पास कुछ अच्छा लफ्ज़ नहीं है, ठीक है, तो ये उस तरह से आप प्रैक्टिकल नहीं हो सकते, या जो मैंने बताया कि आप तो फिर वो कहेंगे यार ये तो सही है इसकी करो, फिर इस तरह से आगे भी यानी खर्चा भी आपका हो रहा है ये सारे मामला, फिर उसको किस तरह से आप देखते हैं? नहीं ये कैरेक्टर नहीं ये मुराद नहीं है मेरी, यानी साई बनना मुराद नहीं है, मतलब इफ दिस इज द इम्प्रेशन दैट आई एम गिविंग यू, आई एम रियली वेरी सॉरी। इंटरेस्टिंग, देखिए आपके पास इसकी गुंजाइश है कि आप चाहें तो यू अलाउ पीपल कि आपकी तरफ से उनको फैज मिल सकता है तो दे दें, जितना आप चाहते हैं उतना ही दें, यानी ये कोई प्रेशर वाली बात नहीं है, आप अच्छा करना चाहते हैं लेकिन नॉट लेट पीपल टेक यू फॉर अ राइड, ये मकसद, ये कैरेक्टर नहीं है, ये तो वीकनेस है। कैरेक्टर तो स्ट्रेंथ है हमारी, कैरेक्टर बेसिकली ये नहीं है कि मैं अब चलो जी कर लो फिर वो वाली चीज़ नहीं है, ठीक है जी। कैरेक्टर का मतलब ये है कि मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ अगर बात है तो नहीं, आई एम सॉरी दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, मैं ये नहीं करना, मैं ये इसको गलत समझता हूँ, ठीक है ना जी। यानी वो मैं अगर ये इम्प्रेशन मिला है तो ये नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा ये। लेकिन देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या है, कुछ जगहों पर आपको ये महसूस होगा, मैं लोगों से ये कहता हूँ कि देखिए किसी आदमी के बारे में अगर आपकी राय है कि वो धोखा दे रहा है तो ये आपकी राय है, पहले इस राय में गलती का इम्कान तो माने ना। अच्छा, और अगर ये उसने वाजे नहीं किया, अभी ये आप पर वाजे नहीं है, तो फिर थिंक अबाउट इट कि इसमें एक बदजनी भी शामिल है। अच्छा, और पता ये चले बाद में कि वाकई धोखा दे दिया, अब उसके साथ बात तो करें। यानी कैरेक्टर बेसिकली फेस करने का नाम है, कैरेक्टर अवॉइड करने का नाम नहीं है, लेकिन कुछ गलतियां हैं मेरे अंदर। मिसाल के तौर पर मैं बैठ के जब भी तन्हा बैठता हूँ तो आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट पीपल, कभी गौर किया, वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ टॉकिंग अबाउट पीपल, है ना जी, बैठते हैं चलें बातें कर लें, और कुछ नहीं तो अपने किसी टीचर के बारे में बात कर लें या स्टूडेंट के बारे में, वी इन्जॉय डूइंग दैट। मैं लोगों से जब पूछता हूँ ना ये स्टाफ रूम में टीचर से बात करते हुए कि मुझे ये बताएं कि आपकी फेवरेट गुफ्तगू स्टाफ रूम में क्या होती है, तो लोग हंस पड़ते हैं, दैट इज़ गुड इनफ आंसर भाई। फेवरेट गुफ्तगू वो होती है कि जो स्टाफ रूम में नहीं है उसके बारे में बात करते हैं, बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू होती है, इससे दिल नहीं करता ख़त्म करने का, पीपल गेट लेट बिकॉज ऑफ दैट, अपनी क्लास का टाइम हो गया लेकिन एक गल और सुन ले, एक गल और सुन ले यार, यार बड़ी वो बड़ी जोर की आ जाती है, तो ये इन कमज़ोरियों को तो ठीक करना चाहिए ना, ये वाला एस्पेक्ट है सिर्फ, मैं चाहता हूँ कि विदाउट बीइंग अच्छा, इसके नतीजे में आप ये कहें कि नहीं देखिए लोग तो मेरे बारे में ये बातें करते ही हैं ना तो मैं भी कर लेता हूँ, ये अब गलत हो गया, ये साईं बनना नहीं है, ये अपने प्रिंसिपल्स पे खड़े होना है, तो बस इतना ही मेरी तरफ से। और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करनी है इसमें, मैं पिछले दिनों टीचर से भी अपने अपने कॉलीग से भी अलवारित के ये बात कर रहा था कि एक चीज़ जो मुझे बड़ी सीरियसली लगती है कि प्रॉब्लम है, वो हमारे यहाँ मुझे अभी तक कोई समझ नहीं आई कि क्या ऐसा लिटरेचर है जो ये बताए कि ईमान की अफजाइश कैसे होती है। ईमान इज़ नॉट अ स्टैटिक फिनोमेना, क्योंकि ईमान बेसिकली इन सब चीज़ों की बुनियाद है, ये जिसको कैरेक्टर कहते हैं, मैं प्रिंसिपल्स पे खड़ा हूँ, मैं रिस्पेक्टफुल हूँ, अगले ने मुझे गाली दे दी है, बड़ा दिल कर रहा है कि गाली का जवाब दे दूँ, दे सकता हूँ, ताकत भी है, नहीं दे रहा हूँ, बड़ा सप्रेस कर रहा हूँ, अच्छा फिर उसने अगली गाली फिर दे दी है,
तो मैं क्या करूं अब ये वाले जी, थैंक यू जी, थैंक यू, क्या करूं, हाउ कैन आई ये अपने ऊपर किस तरह काबू को बरकरार रखूं, वो है जो ईमान की फोर्स है कि मैं ये खुदा के लिए कर रहा हूं, अपनी ज़िंदगी में खुदा को मौजूद कर दें ज़्यादा, ठीक है जी, एंड उसकी बेसिस पर अपनी मीनिंग मेकिंग इस दुनिया में अपने मामलात में खुदा को ऐड कर लें। ये हम कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर हम, नाउ दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, जो मैं कह रहा हूँ कि ये देखिए ये प्योरली इंटरनल प्रोसेस, ठीक है जी, मैं अगर करता हूँ या नहीं करता हूँ ये मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि देखिए ये करने से हमें इसमें स्ट्रेंथ मिलेगी। आप करेंगे या नहीं करेंगे आप मुझे नहीं दिखा सकते, लेकिन आपके मामलात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता यू विल फील मोर रिलैक्स। आप लोगों से पूछिए ज़रा किसी वक्त कि मैं कई दफ़ा ये मिसाल दे चुका हूँ कि आपको भी ये लगेगा कि लोग भी पीपल टॉक अबाउट देयर लाइफ इन अ पर्टिकुलर वे। ये पिछली छः महीने पहले तक ज़िंदगी बड़ी पुरसकून थी, पिछले छः महीने से बड़ी सख्त आजमाइश में हूँ मैं, तो मैं उनको ये बताता हूँ कि यार आपने ये सोचा है कभी कि ये उतनी सख्त आजमाइश नहीं है जितनी पिछली थी, वो तो आपको फील ही नहीं हुआ कि आजमाइश थी। कितने भूल गए हम खुदा को, इतनी आसानी मिल गई हमें कि हमें याद ही नहीं रहा कि अल्लाह ताला ने एक आसानी में डाला हुआ है बड़ी आजमाइश में डाल दी है। जैसे ही उसने पकड़ा, जोल्ट किया और ये कहा कि संभल जाओ टाइम आ रहा है, तो मुझे लगा वो बड़ी सख्त आजमाइश में डाल दी है। तो ये वाला जो एस्पेक्ट है इसको हम ठीक कर सकते हैं ना अगर हम इसको रियलाइज़ करना शुरू कर दें, ये है ईमान की अफजाइश। लेकिन दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर इंटरनल प्रोसेस, इट कैन नॉट बी, यानी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, मैं आपको रिक्वेस्ट कर लूँगा कि इस पर प्रैक्टिस करें, ये करें वो करें, मैं आप शेयर करूँगा कि आप शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस को, इससे लोगों को फ़ायदा होगा। ये प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग हैं, आप उसको कितनी देर तक रखेंगे ये आपने रखना है। यू वॉन्ट नीड टू लिसन टू मी अगेन एंड अगेन, लेकिन आपको प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना पड़ेगा। ये एक ये वो चीज़ है जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं जी। कॉन्शियसनेस इज़ अ वेरी डिसेप्टिव थिंग, हम बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं, मैं माइंड कंट्रोल डेवलप कर लिया और ये अब मैं आई कैन कीप माय माइंड क्लियर ऑफ एनी थॉट्स फॉर 5 मिनट्स फॉर इंस्टेंस, तो मैं समझता हूँ कि अब ठीक हो गया, और फिर उसके बाद 6 महीने जब प्रैक्टिस नहीं करता हूँ तो पता चलता है कि वो वापस 1 मिनट पे आ गया। दिस इज़ स्लिपरी ग्राउंड, ये प्रॉब्लम है, हमें कॉन्स्टेंटली ऑन द अप रहना है, एंड गोइंग अप इज़ डिफ़िकल्ट, इसको भी रिकग्नाइज करना है। नीचे जाना बड़ा आसान है जी, पानी को आप ऊपर से छोड़ दें नीचे आराम से चला जाएगा, ऊपर लेके आना है तो ट्यूबवेल लगाना पड़ेगा, यू नो सब कुछ करना, यही ज़िंदगी का मामला है। ज़िंदगी को अगर एलिवेशन की तरफ लेके जाना है तो एक एक कदम पर जोर लगेगा, एक एक कदम पर, और ये 24/7 का प्रॉब्लम है, ये है जो नो रिलैक्सेशन, ये चीज़ है जिसकी वजह से हम थोड़े से पीछे हट जाते हैं, और ठीक है यार देख लाने, ये एक प्रॉब्लम है।